कक्षा 11वीं विषय गणित प्रश्नावली 10.1 अध्याय 10 सरल रेखा का प्रश्न 10वां। एक अक्ष और बिंदु 3-1 व 4-2 बिंदु को मिलाने वाली रेखा के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। अब कोण को ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, क्योंकि एक अक्ष की ढाल या जिसको कि हम कहेंगे प्रवणता, वो होती है M1 बराबर इसे किसके 0 के। दिए हुए बिंदु हमारे पास दिए हुए क्या बिंदु 3-1 तथा 4-2, इसलिए दिए हुए बिंदु से जाने वाली रेखा की ढाल इन दो बिंदु से, इसलिए दिए हुए बिंदु से क्या जाने वाली रेखा की ढाल, इस रेखा की जो ढाल निकालेंगे तो सूत्र हम जानते हैं क्या, इसको M2 कह दे, क्योंकि y2-y1/x2-x1 बराबरी से क्या ऋण 1, तो क्या होगा x2 4-3 बराबरी से माना गया क्या ऋण 1। अब हम जानते हैं क्या कि यहाँ जो फार्मूला लगेगा वो कुछ इस प्रकार, यदि क्या x अक्ष और दिए हुए बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा के बीच का कोण, रेखा के बीच का कोण, इस कोण को यदि निकालते हैं तो वो यदि थीटा हो, ये कोण क्या हो थीटा हो, तो उसको निकालने का जो प्रोसेस है वो है टेन थीटा बराबरी से निरपेक्ष मान M2-M1/1+M1×M2 बराबरी से टेन थीटा बराबरी से इनकी वैल्यू रखी, M2 कितना है ऋण 1 ऋण 0/1 × 0 इसका हम हल देखेंगे। तो इसका हल जो आएगा टेन थीटा बराबरी से हल आया ऋण 1/(-1) बराबरी से मोड के अंदर की वैल्यू धनात्मक, इसलिए अब क्योंकि टेन थीटा की वैल्यू क्या आ गई 1, और हम में से सब जानते टेन कितने अंश का मान, टेन 45 अंश का मान होता है 1। इसका सीधा सा अर्थ है कि हमारे पास यहाँ थीटा बराबरी से कितना 45 अंश, जो कि कौन सा न्यून कोण। अधिक कोण अगर कोई कहे, कौन सा कोण, और अधिक कोण कोई कहे, क्योंकि ये इधर 45 का बना रहे तो दूसरे साइड कितने का अधिक कोण बनाएंगे, 180 में से 45 को घटा देंगे तो मान कितना आएगा 135 अंश। उम्मीद है आप सबको समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, शेष कर धन्यवाद।